This session is being recorded, and this is Sibur Rahman. And in today's session, we are purely generally talking on formation of a sentence. जब हम एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो हमें किन फॉर्मेशंस का सामना होता है वो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। गौर से देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्या एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चार चीजों की रिक्वायरमेंट्स आ सकती है? इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज फोर थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब? These are the four things which really help us to make sentence. Keep it in your mind, right? Subject, verb, object, and adverb. You must be thinking, sir, what is adverb? Adverb kya hai, sir? Here, adverb tells about time. It is a time expression right now. Like every day, like sometimes, usually, normally, yesterday, Sunday, they all are adverbs. Adverb means time expressions. Subject, verb, and object, and adverb, they make your sentence. Mera ek aur sawal hai, tick lagaiyega ya cross lagaiyega? Is it possible to make a sentence without an adverb? Hum adverb ko drop kar dete hain. Kya adverb ko drop karke sentence banaya ja sakta hai? Dekhiyega. जल्दी से आसमा ने कहा बिल्कुल बन सकता है सर, क्या मुश्किल बात है, बन गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, देख ले, मतलब हम ये कह रहे हैं ही गोज टू स्कूल एवरी डे ना लगाए, एवरी डे के बगैर बना ले। हाँ हाँ बिल्कुल बन सकता है सर, क्या परेशानी है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे को हटा दीजिए, बढ़िया। अच्छा क्या मैं ये कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट को भी हटा दीजिए। ऑब्जेक्ट, सर हसीब टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश को हटाकर जुमला बन सकता है, सर हसीब टीचर्स, सर हसीब टीचर्स, क्या इंग्लिश को हटाकर भी जुमला बन सकता है, सर हसीब टीचर्स, इंग्लिश ना लगाऊ मैं, ऑब्जेक्ट ना लगाऊ, सर हसीब टीचर्स इंग्लिश एवरी डे, क्या ये सेंटेंस बन सकता है? देखो गौर से सुनना, सर हसीब टीचर्स इंग्लिश एवरी डे, सर हसीब रोजाना अंग्रेजी पढ़ाते हैं, एवरी डे एडवर्ब है, हटा दो, जुमला बन सकता है, सर हसीब टीचर्स इंग्लिश, बन सकता है। इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब, ऑब्जेक्ट को हटाओ, सर हसीब टीचर्स, बन सकता है जुमला, जुमला है, सर हसीब टीचर्स, माइक ऑन है जुमला होगा, सर हसीब टीचर्स, जुमला बन गया, सर हसीब टीचर्स, ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन गया, एडवर्ब के बगैर जुमला बन गया, चलो वर्ब को भी हटा दो, सर हसीब जुमला है, क्या ये सेंटेंस है? क्या ये सेंटेंस है सर हसीब? सर हसीब, क्या ये सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट से जुमला बन जाता है? नहीं सर। अच्छा चलो सब्जेक्ट हटा देते, वर्ब रहने देते, टीच, क्या एक अकेला वर्ब जुमला बना सकता है? नहीं बना सकता, एक अकेला वर्ब जुमला नहीं बना सकता। आपको सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी बेटा? सब्जेक्ट एंड वर्ब, यू एट लीस्ट रिक्वायर दीज टू थिंग्स टू मेक योर सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा मेरा एक सवाल है आप तमाम स्टूडेंट से, बहुत तवज्जा के साथ सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आ रहा है, अगर एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आ रहा है तो बताओ उसका नाम क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उस वर्ब को क्या कहते हैं? जल्दी मेन वर्ब। एक्सेलेंट आंसर, आपने कहा मेन वर्ब, तो हम आपको इसके दीदार करवाते हैं, मेन वर्ब।
जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो उसका नाम क्या होता है? मेन वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो याद रखिएगा उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। अगर मैं वर्ब आपके सामने डिफाइन करूं तो वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. अब आपके सामने एक verb है, इसकी दो जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी जो मुझे नजर आती है वो time, जिसको मैं समझता हूँ कि जो पहली जिम्मेदारी है वो time है। देखो, he writes a letter, he wrote a letter. He writes a letter, he रोट अ लेटर। बताओ पहली जिम्मेदारी कौन सी तुम्हारे दिमाग में आ रही है? He writes a letter, he wrote a letter. कौन सी बात दिमाग में क्लिक कर रही है? टाइम है, ऊपर वाला प्रेजेंट के नीचे वाला पास्ट का। मुझे भी ऐसे लगता है कि जो पहली जिम्मेदारी है ना वो टाइम है। जब वर्ब हमारे सामने आता है तो सबसे पहले टाइम की बात हमें क्लियर होती है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। इंडिया का एक ग्रामेरियन था, वो भी यही कहता है कि If you understand present, past and future, then how to differentiate it, you will understand language. और ये बड़ी important बात है। देखिए, अगर writes है तो उसको past में आपने कर दिया रो। अगर मैं बोलूँ go, इसका past क्या करेंगे आप लोग? Went. Went. See. Saw, not saw, saw. Understand. Understood. Break, broke. Drink, brought. Drink. अच्छा देखो, तुम्हारा दिमाग इस बात को, अब ये वाला सर्किट चल रहा है ना? Drink, drank. See, saw, write, wrote, understand, understood, find, found, teach, taught. अगर तुम्हारा ये देखो, मैं एक एक पुर्जे में काम करता हूं, एक एक ये छोटी छोटी चिप्स है तुम लोगों के अंदर जो तुम्हारे दिमाग में लगी हुई है कि जैसे ही तुम प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट होते हो तो फॉर्म को चेंज कर देते हो। ये वाली सबका ये सर्किट काम कर रहा है? कोई ऐसा तो नहीं जिसका कि जवाब ही नहीं आ रहा? राइट क्या होगा सर? क्या करूं सर? इसका मतलब वो चिप आपकी है ही नहीं। ये चिप सबकी काम कर रही है? राइट, रोड, टीच, टॉट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, ब्रेक, ब्रोक। एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट प्रेजेंट, यस सर, पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट। लोग कहते हैं हमने टेंसेस पढ़े। अबे तुमने टेंसेस स्कूल में पढ़े थे ट्रांसलेशन के लिए। Tenses आते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए आते हैं ना, लेकिन हियर द वे यू आर बीइंग टॉट, हम आपकी कौन सी एबिलिटीज को हाईलाइट कर रहे हैं? स्पोकन एबिलिटीज को, कि क्या आपके दिमाग में ये सलाहियत है कि आप बोल भी सके। तो हम आपके हर उस पार्ट पे काम कर रहे हैं विच रियली हेल्प्स यू टू स्पीक इन इंग्लिश। लोग कहते हैं आप गारंटी देते हैं 2 महीने में अंग्रेजी बोल सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। सर्जन है हम लोग, पार्ट टाइम डॉक्टर नहीं है भाई। हमें पता है बच्चे का ये वाला सिस्टम एक्टिवेट कर दो, उसका जबान खुल जाएगी उसकी, ठीक है? जब ये कह रहा हूं आज का सेशन बहुत तवज्जो के साथ सुने, आपका एक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। आप प्रेजेंट वर्ब जो होता है ना, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। इफ देयर वर नो वर्ब देयर वुड बी नो लाइफ। है, अगर वर्ब ना होता तो फिर तो जिंदगी ना होती। वर्ब के बगैर अंग्रेजी नहीं है। Life does not exist without verb. English doesn't exist without verb. Verb is equal to wife. Hai? Chale. It also describes a situation. Ab dekhe, ab situation ko samajhiye. He writes a letter, he wrote a letter, he is at home, he was at home. Ye wali baat to aa gayi action aur state par. दो बातें समझ आ रही है। अब आप ऊपर और नीचे देखिए, तो एक चीज है एक्शन और एक चीज है स्टेट। मेरा कल का लेक्चर ही स्टेट के ऊपर है।
कल मैं पढ़ाऊंगा ही स्टेट वर्ब्स, कल मैं पढ़ाऊंगा ही स्टेट वर्ब, तो मैं स्टेट पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक्शन के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। एक्शन क्या है? ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। अब यहां पर ये प्रेजेंट क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज और आपके सामने है। एक्शन, लिखना, पढ़ना, खेलना, समझना, समझाना, राइट, टीच, अंडरस्टैंड, फाइट, दे ऑल आर एक्शंस। स्टेट है आपकी हालत। थोड़ा सा हालत के बारे में बताऊं, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, वो घर पर है, ही इज एट होम, इसमें कौन सा एक्शन है? कोई भी एक्शन नहीं। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, इसमें कौन सा एक्शन है? ये होता है, आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार, इट्स एन एक्शन वर्ब ड्राइव। बट अगर मैं कह रहा हूँ आई एम अ ड्राइवर, इट इज अ स्टेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट एक्शन। एक्शन में आपको एक्शन वर्ब्स चाहिए, जो मैंने आपको समझाए, उठना, बैठना, सीखना, समझाना, मारना, मरना, ठीक है ना, धोखा देना। ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। जब एक सेंटेंस में आपके पास एक वर्ब होता है, उसकी दो जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी टाइम, समझ आ चुकी है। दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट। तीसरी चीज सर एक बात और बता रहे हैं, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिचुएशन से क्या मुराद है? ये सिचुएशन अभी आपके सामने आएगी ऑटोमेटिकली। पहले दूसरा एक जरा हम इसको भी दावत दे दें, ये आपके सामने एक वर्ब और आ गया। एक सेंटेंस में दो वर्ब्स भी आ सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स भी आ सकते हैं, और वो वर्ब, दूसरा वर्ब कौन सा है? ऑक्सिलरी। बचपन में आपने उसको पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब के नाम से, याद आ रहा है? Yes, sir. आज इसको किस नाम से पढ़े? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का क्या जुमले में आना लाजमी है? नहीं। इससे पहले अभी हमने एक फॉर्मेशन देखी, वहां ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है तो उसके बाद लाजमी तौर पर क्या आएगा? मेन वर्ब। लाजमी तौर पर क्या आएगा? मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। If there is an auxiliary verb, there will definitely be a main verb. Sir, auxiliary verb क्या होता है? इसका क्या काम होता है? बड़ी अच्छी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। Auxiliary verb tells us about time. They help us to make negative and question. They are meaningless, but they make your sentence meaningful. Auxiliary verb की औकात सिर्फ यही है कि ये हमें time के बारे में बताएंगे। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो पहला वर्ब होता है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, जो पहला वर्ब होगा जब दो वर्ब्स आएंगे, तो उसका काम सिर्फ क्या है? टाइम के बारे में बताना। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ये नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में हमारी मदद करते हैं। इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, दे आर मीनिंगलेस, लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। याद करें अपनी बातें जो मैंने सिंटैक्स के हवाले से बताई। सिंटेक्स के अंदर मैंने एक बात आपको एक्सप्लेन की थी, वाई आर वी वीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में कमजोर क्यों है। मैंने आपको कॉन्टेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी। उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन के नोट्स भी फॉरवर्ड किए थे, उसके लेक्चर्स भी फॉरवर्ड किए थे, याद आ रहा होगा आपको। देयर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। और हमारे पास कितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनकी तादाद क्या है? कुछ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरी बस एक बात याद रख ले आप, देयर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स। हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू वी हैव? थ्री। कौन कौन से? डू, डू, हैव। डू, बी और हैव। डू, बी और हैव। There are three auxiliary verbs, do, be and have. Do के बाद first form, be के बाद verb ing, have के बाद third form. ये देखें, ये है main verb. और याद रखें, main verb basically, इसको अगर मैं एक और अल्फाजों में लिखूं, तो main verb actually describes different situation. Situation से क्या मुराद है? Simple, progressive, perfect and perfect progressive. ये देख लीजिए।
सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस याद आ रहे कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब ये कौन बताता है कि ये सिंपल है ये कंटिन्यूअस है ये प्रोग्रेसिव है ये परफेक्ट है ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है ये बताता कौन है किसकी जिम्मेदारी है मेन वर्ब की और ये प्रेजेंट है ये पास्ट है ये फ्यूचर है ये किसकी जिम्मेदारी है ऑक्सिलरी आ रही है दिमाग में दो 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 अलग अलग डब्बे बन रहे ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब और इन दोनों डब्बों के बीच में हम कर देंगे सुराख ताकि ये दोनों जुड़ जाए कैसे ये देखो पहले तो इस बात को समझो कि ऑक्सिलरी वर्ब टॉक्स अबाउट टाइम. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं डू बी और हैव लेकिन आपके दिमाग में कुछ और बातें भी आ रही होगी सर लेकिन हमने तो बहुत सारे पढ़े थे नीचे पढ़ लो डू के बच्चे डू डज और डिड बी के बच्चे इज एम आर वाज वर हैव के बच्चे हैव हैज है सबकी अपनी अपनी फॉर्म्स है. अच्छा ये सिस्टम सबका एक्टिवेट हुआ हुआ है कि डिड पास्ट की बात करता है और डू और डस प्रेजेंट की बात करते हैं एक्टिव है ये वाला सिस्टम इज एम आर यस सर इज एम आर कौन से वक्त की बात करेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट और हैज प्रेजेंट हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को है बहुत अच्छे से इसमें कोई शक की बात नहीं है ठीक है ना आपको जो आता भी है ना वो भी हमें पता है कि ये जरूर आता है हाँ लेकिन ये नहीं आता इज एम आर कौन से सब्जेक्ट के साथ लगा है वॉज वर कौन से सब्जेक्ट के साथ लगा है इसमें बड़ा मसला है एवरी डे के साथ एवरीबडी के साथ वॉज लगाए या वर लगाए हैव लगाए या हैज लगाए ये एक बड़ा मसला है ठीक है ना. बहरहाल अभी इस मसले को अगर हम बात ही नहीं कर रहे अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर. ऑक्सिलरी वर्ब्स का पूरा खानदान आपके दिमाग में उतर चुका है डू डज डिड इज अबाउट वाज वर हैव हैज हैड सर लेकिन एक बात बताइए जी पूछिए सर फ्यूचर का क्या होगा फ्यूचर में विल आता है ना क्या मैंने विल को ऑक्सिलरी वर्ब का दर्जा दिया है नो सर. आज की लाइव एंड एक्सक्लूसिव बात सुन लीजिए विल आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है लेकिन फिर भी अगर आपको विल लगाना है तो जहां जहां ये बी है विल इससे पहले आ जाएगा विल बी यहां हैव है इससे पहले आ जाएगा विल हैव यहां पर विल हैव विल को शुरू में ऐड कर दीजिए यहां पर तो ये फ्यूचर में बन जाएगा ये सब फ्यूचर बन जाएगा विल बी विल हैव विल हैव याद आ रहा होगा ना विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल टेक क्लास फिर विल बी प्लस वर्ब आई एन जी विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल हैव बीन प्लस वर्ब आई एन जी फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव तब बनते ही तो छोड़ दे वापस आइए. अब यहां पर कौन सी फॉर्म आ रही है फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगी जिंदगी भर याद रखना ये बुनियादी बात है जहां पे भी फर्स्ट फॉर्म आती है वो कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है प्रेजेंट सिंपल ना प्रेजेंट ही गलत बात कर दी देखिए गलत ये तार यहाँ पे जुड़ गया आपका गलत तार जुड़ दिया आपने. डू और डस कौन से वक्त की बात करते प्रेजेंट डिड कौन से वक्त की बात करते प्रेजेंट पास्ट पास्ट फर्स्ट फॉर्म किस चीज की बात करती है सर ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है इट डजंट टॉक अबाउट टाइम. फर्स्ट फॉर्म टाइम की बात नहीं करती टाइम की बात करने की औकात किसकी है टाइम की बात कौन करेगा ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट वर्ब तो मासूम है उससे पहले डू लगेगा डज लगेगा डिड लगेगा एक्शन की बात करेगी फर्स्ट वर्ब सिंपल सिचुएशन की बात करेगी. अब मैं आपको यकीन दिलाऊं ये देखो डू यू स्पीक इंग्लिश डिड यू स्पीक इंग्लिश अब बताओ ये स्पीक यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रही है ये स्पीक यहाँ पास्ट की बात कर रही है दिमाग खराब हो गया आप लोगों का. यहाँ पर टाइम की बात कौन कर रहा है दो जुमले में डू डिड आ गई ना बात गलत कॉन्सेप्ट आज सही हो गया ना आप लोग डू प्रेजेंट की बात करेगा डिड पास की बात करेगा स्पीक किस चीज को जाहिर कर रही है कौन सी सिचुएशन को जाहिर कर रही है सिंपल स्पीक क्या आपको टाइम के बारे में बता रहा है नहीं भाई सिंपल सिचुएशन के बारे में बता रहा हूं. एक और यही बात यू भी यहां से भी समझो
वर्ब आईएनजी तुम्हें किस चीज के बारे में बताती है? प्रोग्रेसिव। यहाँ पर देखो आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, दोनों में कंटिन्यूअस एक्शन की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात हो रही है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट की बात क्या गोइंग करता हुआ नजर आ रहा है? नो सर। पे कौन कर रहा है? टाइप की बात आर वर्ब, आर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। Have you completed? Had you completed? Present और past को कैसे पहचाने? ये had और have से पता चलेगा। System activate हो गया, सारे refresh हो गए, जो गलत knowledge थी वो थोड़ी सी modify हो रही है। Yes sir, yes sir। चल अच्छा, अब आइए ये दोनों डब्बों को मैंने बना दिया, अब इन दोनों डब्बों को जोड़ते हैं। अब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स की नॉलेज भी आ गई है, आपके पास मेन वर्ब की नॉलेज भी आ गई है। अब आपको पता है कि मेन वर्ब मैंने फर्स्ट फॉर्म लगानी है सिंपल सिचुएशन में, मैंने वर्ब आई एन जी लगानी है प्रोग्रेसिव में, मैंने थर्ड फॉर्म लगानी है परफेक्ट में। लेकिन सर ये क्या, यहाँ तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। सर मेरी नॉलेज के मुताबिक प्रोग्रेसिव के लिए वर्ब आई एन जी और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म। ये देखे सर अपना स्टेटमेंट मत बदल दीजिएगा। ये देखे सर, प्रोग्रेसिव में आपने वर्ब आई एन जी लगवाई और परफेक्ट में आपने थर्ड फॉर्म लगवाई। अब और आपने कहा था वर्ब आई एन जी से पहले हमेशा कौन आता है? बी। अगर बी नहीं आएगा तो बी के बच्चे आएंगे, इज एम आर, वरना वॉज वर्ब। सर अब आप अपना स्टेटमेंट बस चेंज कीजिएगा, बोल लो तुम्हें जितना बोलना है बोल लो। और सर आपने कहा था परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म से पहले हैव, हैज या फिर हैड, बोल लिया जी सर। प्रोग्रेसिव में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब आईएनजी। क्या मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं? वर्ब आईएनजी आ गई। मैंने कहा था प्रोग्रेसिव में हमेशा बी आएगा, लेकिन मुझे मेरे पास इत्तेफाक से सिचुएशन कौन सी है? परफेक्ट। तो बी की थर्ड फॉर्म अगर मैं करूं तो वो क्या बनेगी? बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। क्या वर्ब आई एन जी से पहले हमेशा बी आएगा या इज एम आर आएगा या वॉज वर आएगा या बी का बड़ा भाई बीन? मेरी ये बात भी सच हो गई। परफेक्ट के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, क्या मेरी ये बात भी सच हो गई? क्या ये बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव? बन गया परफेक्ट आज पता चला परफेक्ट प्रोग्रेसिव बना कैसे? प्रोग्रेसिव यस जी, परफेक्ट, ये बी की थर्ड फॉर्म बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन सर अभी भी बात प्रेजेंट और पास्ट की नहीं हो रही है ना, तो बेटा आंखें खोल। थर्ड फॉर्म से पहले मैंने क्या सिखाया, क्या लगाओगे तो प्रेजेंट की बात होगी? हैव और हैड। हैव, हैड लगाओगे तो कौन से वक्त की बात होगी? पास्ट। पास्ट ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, नीचे भी ये अप्लाई हो रहा है, हैव और हैव्स फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर पास्ट, और आगे थर्ड फॉर्म दैट इज शोइंग परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट सिचुएशन। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ऊपर बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, बन गया पास्ट परफेक्ट, बन गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बन गया पास्ट प्रोग्रेसिव, और बन गया प्रेजेंट सिंपल, और बन गया पास्ट सिंपल। मुबारक। आ रही है बात समझ? अंदर दोनों डब्बे जोड़ दिए मैंने, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब के, आपके सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए आज, और नंबर नोट कीजिए जिस नंबर पे असाइनमेंट जमा कराते हैं, 03170296209। इट इज माय पर्सनल नंबर 03170296209। इस पे सारे असाइनमेंट्स आते हैं। असाइनमेंट किस तरह से लिख कर भेजेंगे, चाहे तो आप इसको कॉपी पे नोट करें पूरी और उसके बाद इसकी ब्लैंक्स को फिल करें 1 से लेकर 31 तक। नोट्स में आपके पास मौजूद है, आपने अगर इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया तो उसी के ऊपर फिलअप कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप आपको मैं सर चैट में नंबर शेयर कर दें प्लीज। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नंबर।
ये रहा 03170296209 यू नीड टू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन दिस नंबर जो भी असाइनमेंट मिलेगा इसी सर मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो काइंडली अगर आप शेयर कर दें लेकिन सबमिट क्या नहीं तो आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है बेटा फिर मेरी स्क्रीन पे सर वही आ रहा है जो अभी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 03170296209 अफगानिस्तान से आ गई और बेचारी की उर्दू नहीं आती अब हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन उर्दू है हम इंग्लिश टू पगवानी तो नहीं बोल सकते ना लैंग्वेज के अंदर अगर मैंने मैंने टर्किश स्टूडेंट्स को पढ़ाया तकरीबन एक महीने लेकिन उन गरीबों को उर्दू नहीं आती थी और उनको अंग्रेजी भी नहीं आती अब मुझे बताइए मैं क्या दूं मैंने साइन लैंग्वेज पढ़ाया उनको फिजिकली पढ़ा रहा था इफ यू डोंट नो द मदर लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर यू कैन नॉट टीच लैंग्वेज टू दैट स्टूडेंट अगर आपको उर्दू ना आती है तो मैं नहीं पढ़ा सकता आपको यू नीड टू बिकॉज बहुत सारी ऐसे चीजें होती है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन योर ओन लैंग्वेज आप उस सिचुएशन को नहीं समझ पाते इंग्लिश टू इंग्लिश आप नहीं समझ सकते जब इंग्लिश ही पढ़ने आए मैं इंग्लिश में समझाना शुरू कर दूं बोले आप पागल हो गए दिमाग खराब हो गया इंग्लिश नहीं आती तो अब प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड एक और असाइनमेंट नोट कीजिए लिखा हुआ है ही सिंग्स और मैंने देखा उसका क्या आपको बना दिया नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव बना दिया क्वेश्चन बना दिया ही ड्राइव्स अ कार ही डजंट ड्राइव अ कार डज ही ड्राइव अ कार ऐसे ही क्या आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं और इसका क्वेश्चन बना सकते हैं दे राइट लेटर्स दे डैश डू द डैश फिर उसी का प्रोग्रेसिव उसी का परफेक्ट प्रोग्रेसिव he drives he doesn't drive does he drive he is driving he is not driving is he driving has he has driven he has not driven has he driven he has been driving a car he has not been driving a car has he been driving a car he drove a car he didn't drive a car did he drive a car he was driving a car he was not driving a car was he driving a car he had driven a car he had not driven a car had he driven a car he had been driving a car he had not been driving a car had he been driving a car isi tarah se mujhe is sentence ka kaun sa they write letters I want you to convert it into 24 sentences 24 ghante mein ye mere paas hote 24 ghante aapke paas theek hai chaliye okay sir sir previous sir ek to they drive a car car wala aapne kaha hai aur dusra kaun sa kaha hai assignment ka they write letters affirmative negative लिखा हुआ नहीं दे राइट लेटर सर ये पल दोबारा सेंड कर सकते हैं आप ग्रुप में मैं भेज दूंगा सर एक्सप्लेन कर दे दोबारा क्या असाइनमेंट है बेटा कहां से आ रहा है आप सो रहे थे क्या नाश्ता बना रही है प्यास काट रही है प्यास काट रही होगी बेटा दे राइट लेटर्स का मुझे नेगेटिव बनाइए क्वेश्चन बनाइए ठीक है अपर प्रेजेंट सिंपल फिर ये प्रोग्रेसिव फिर ये परफेक्ट और फिर ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव दे राइट लेटर्स दे डोंट राइट लेटर्स डू द राइट लेटर्स दे आर ड्राइव दे आर राइटिंग लेटर्स दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स आर दे राइटिंग लेटर्स दे हैव रिटन लेटर्स दे हैव नॉट रिटन लेटर्स हैव दे रिटन लेटर्स इससे आपकी सारी फॉर्मेशन पक्की हो जाएगी 24 जिस फॉर्मेशन पे अंग्रेजी बोली जाती है ना वो फॉर्मेशन पहले जरा हाथ पे तो आ जाए ग्रिप पे तो आ जाए तो अंग्रेजी बोली ठीक है समझ आ गई चले आगे यस सर अच्छा अच्छा अभी आप लोगों ने जो दो फॉर्मेशंस पढ़ी है क्या वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है 1 और 2 करके यस सर आ रही यस सर ये फॉर्मेशन का ताल्लुक टेंसेस से है कहां से है टेंसेस और आपको लगता है बस यही सारी चीजें हैं और यही पर हमारी नॉलेज खत्म हो जाती है जिंदगी में हमें इस चीज के बारे में कभी नहीं बताया और ये कहलाते हैं मॉडल वर्ब्स क्या कहलाते हैं बेटा मॉडल वर्ब्स और आप लोग अगर अपने प्रोफेशनल लेवल को उठाकर देखें
तो उस प्रोफेशनल लेवल का जो कोर्स कंटेंट है उसमें भी आपको टेंसेस प्लस मॉडल वर्ब्स नजर आएंगे। और ये दो टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद जबान का ताला खुल जाता है, खुल जाता है, टूट जाता है, बशर्ते कि आप रोजाना 2 घंटे हमें दे दें और 1 घंटा खुद से पढ़ लें। सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्सट्रोवर्ट्स, ये आपके पास मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन है। अभी इससे पहले क्या लगा रहे थे आप लोग, मेन वर्ब अकेला था, अब आपने मेन वर्ब से पहले किसको लगा दिया, मॉडल वर्ब को। ये देखिए मॉडल वर्ब, ये आपकी स्क्रीन पर, शुड, ऑट टू, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल और वुड। आज के सेशन से मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने ये टेंसेस की फॉर्मेशन आपकी रिफ्रेश हुई है, ये कोई नई बात नहीं थी, 1 और 2 आप लोग बचपन से स्कूल से लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज रिफ्रेश कर दिए, लेकिन ये तो बिल्कुल जीरो मीटर है, इसके बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आज ये बिल्कुल दिमाग फुल तवज्जो के साथ मॉडल वर्ब के बाद देखे क्या लग गया, मेन वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद अब हमने यहां क्या लगा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब। जरा अपनी आंखों को थोड़ा सा झुकाइए और देखिए क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब आपके भी सामने से होकर गुजरा है। देखिए पहचानिए, अभी क्या इन लोगों yes, पिछली गली में मुलाकात हुई थी, यस सर, बताइए बी के बाद सर ने क्या सिखाया है, बी के बाद बताइए फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो, वेरी गुड, जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो कौन सी सिचुएशन की बात करती है, सिंपल। जब वर्ब आई एन जी आती है तो कौन सी सिचुएशन की बात करती है, प्रोग्रेसिव। जब थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सी सिचुएशन की बात करती है, परफेक्ट। क्या सारी वही बातें नहीं है ये, यस सर, बुनियादी बातें हैं ये, अगर स्टूडेंट्स को इस तरह से कोई बातें समझा दे तो उसके लिए अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हमें कोई पढ़ाता ही नहीं। अब मॉडल वर्ब्स नहीं पता थे, संडे सारे मॉडल वर्ब्स आपके सामने लिख दिए, और देखे अब आप सेंटेंस भी बना सकते हैं हंसते खेलते, शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। मॉडल को बदलने से क्या जुमले की मीनिंग बदल रही है, obligation, ability, possibility. उसे टैक्स पे करना चाहिए, वो टैक्स पे कर सकती है, वो शायद टैक्स पे करती हो, शायद वो टैक्स पे करेगी। क्या मॉडल को बदलने से जुमले की मीनिंग्स में बदलाव आता है, तब्दीली आती है, आती है, यस सर, आती है, बिल्कुल आती है। सिंपल सिचुएशन की बात हो रही है, मॉडल के बाद बी आ रहा है, इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, शायद बारिश हो रही है, शी मे बी कॉलिंग यू, वो शायद तुम्हें बुला रही है, प्रेजेंट और ये प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, और देखो बी आ रहा है और मॉडल आ रहा है, परफेक्ट सिचुएशन की बात हो रही है। अच्छा अब एक बात जहन में शायद किसी के डांस कर रही हो, सर एक मिनट, एक मिनट सर, हम इतने बेवकूफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं सर। सिचुएशन से पहले आपने एक चीज हमें और दिमाग में बिठाई थी, वो ऑक्सिलरी वर्ब, और सर ऑक्सिलरी वर्ब का आपने काम बताया था प्रेजेंट और पास्ट, सही है, सही है, बच्चे का yes, सवाल है। लेकिन माय डियर सर, आपने पहले सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं किया, दूसरे और तीसरे सेंटेंस के अंदर बी और हैव आ गया, जिससे हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे सर जी कि ये प्रेजेंट है ये पास्ट है। नीचे भी आपने हैव लिख दिया, हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। इससे पहले जब हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स को जिन हालत में देखा था, हम ठक से बोलते थे प्रेजेंट इज अ पास्ट, वाज वर पास्ट, हैव हैज प्रेजेंट हैड पास्ट। सर अब आप जरा ये बताना हमको पसंद करेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात कैसे होगी, सवाल में दम है, सर, यस सर, सवाल में दम तो है बच्चे के, बच्चे ने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है।
ये वो सवालात हैं जो जिंदगी में बच्चों ने पूछे हैं, तो हम वो सवाल आपके सामने खुद ही रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस बच्चे का सवाल तो बड़ा वैलिड है, और सर क्या मॉडल के अंदर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की सिचुएशन नहीं होती है, या आप लिखना भूल गए? तो वो मैं लिखना भूल गया हूँ, वो मैं लिख देता हूँ। मॉडल बच्चा बड़ा 420 है, ठीक है। चलिए have been plus verb हम अपने लैंग्वेज क्लास के अंदर ऐसे स्टूडेंट थे, ऐसे सवाल करते थे, हमारे टीचर कहते थे ये कोई बनाए ना बनाए लेकिन हंसी बनाकर दिखाएगा। सबसे पहले जो बच्चा अपने एकेडमिक लाइफ में हमेशा फेल होता था, वो अपनी लैंग्वेज क्लास के पहले टेस्ट में 60 स्टूडेंट्स में पहली पोजीशन पर आया था, 91 मार्क्स लिए थे। तो घर वाले भी सर पकड़ के बैठ गए थे, ओ भाई क्या हो गया तुमको, तुम स्कूल में तो कभी पास नहीं हो, तुमने लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट पोजीशन ले ली। तो बस वो कहते ना कभी ना कभी तो कोई आपका जो खोटा सिक्का है ना वो चल जाता है, तो हम एक खोटे सिक्के थे जो चल गए लैंग्वेज के अंदर। बस होता है, इट टेक्स टाइम, आपकी जिंदगी में टाइम आता है, जिस चीज के लिए आप बने होते हैं ना वो चीज आपकी जिंदगी में आ नहीं होती, और जब आती है तो फिर ऐसे आती है कि मत पूछिए। अब देखिए आ गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव, हो गया बेटा, देखो समझ आ रही है मॉडल वर्ब हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। देखो जुमला भी बनाता हूँ, सर रिसीव मे हैव बीन टीचिंग सिंस 2000। अस्सलाम वालेकुम सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। क्या दिख रहा है आपको बहन? नथिंग। बेटा कुछ तो दिखना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ ना। क्या दिख रहा है? कुछ नजर नहीं आ रहा सर, ब्लैंक है बिल्कुल। अच्छा अब आ रहा है? यस सर विजिबल। मुबारक, थैंक यू। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो नजर आ रहा है? यस सर। शुक्रिया। सर यसी मे हैव बीन टीचिंग सिंस 2004। क्या मतलब? शायद सर यसी 2004 से पढ़ा रहे हैं। अब एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आखिर के 5 मिनट में मैं इसका जवाब दे रहा हूं। सर आपने बताया नहीं कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात कैसे होगी। आप लोगों को ये बात जानकर खुशी होगी, ये जो फॉर्मेशन है मैं आसान से बता रहा हूं, ये फॉर्मेशन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात करने की सलाहियत रखती है। कौन सी? मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात करती है। वो शायद तुम्हें बुला रही है प्रेजेंट, वो शायद कल सो रही होगी भाई इस वक्त, शी मे बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। यानी कि जब आप मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों वक्तों की बात कर सकती है, ठीक है ना। प्रिंट आउट निकलवाना चाहे तो निकलवा लीजिएगा, आई डोंट माइंड इफ यू कैन अफोर्ड, वरना मैं अगर आपकी जगह एक जहीन बच्चा होता और गरीब होता, क्योंकि मैं दोनों था, गरीब भी था और जहीन भी था, तो मैंने अपने नोट्स हैंड रिटन किए। अब बोर्ड पे टीचर लिखता था, आजकल का बच्चा बोर्ड की तस्वीरें लेता है, सर लेके नहीं रहा मैं तस्वीर ले लेता हूँ सर, आके सारे नवाब के बच्चे तस्वीरें लेके चले जाते हैं, जैसे ये लिखेंगे, लिखता कोई भी नहीं है, उसको जाकर गूगल ड्राइव पे सेव करती है लेक्चर वन। ये है आजकल की फॉर्म, ठीक है ना। तो आप हम, लेकिन हम अपने दौर में अपने बोर्ड का पूरा मटेरियल नोट करते थे जल्दी 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 जल्दी, और उसको घर जाके फेयर करते थे। तो ये बोर्ड का मटेरियल आपके पास प्रिंट आउट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में घर मौजूद है, आप इससे अपने लेक्चर्स खुद हैंड रिटन करें, आपके दिमाग में ये चीजें नक्श हो जाएगी, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। तो आप इसको हैंड रिटन करेंगे तो ज्यादा अच्छा असर होगा आपकी जहन पर, आपकी इंग्लिश की जो लाइफ है ना वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब ये वाली बात याद रख लें, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही है, ये वाली भी फॉर्मेशन प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकती है। अच्छा सर दोनों वक्तों की बात करेंगे जी, कैसे सर? ये देखें, शी मे पे टैक्स, इस जुमले की उर्दू बताओ। शी
may pay tax. वो शायद टैक्स पे करती है. और इसकी उर्दू ये भी है, शायद वो टैक्स पे करेगी. एक ही फॉर्मेशन है, सिचुएशन के मुताबिक आपको मीनिंग समझ आएगी ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है. शी शुड पे टैक्स, उसको टैक्स पे करना चाहिए. जुमला यही रहेगा, ये प्रेजेंट की बात भी कर सकता है और फ्यूचर की बात भी कर सकता है. तुम्हें जाना चाहिए, ये प्रेजेंट भी हो सकता है फ्यूचर भी हो सकता है. तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे अब्बा इंतजार कर रहे, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो. ये प्रेजेंट भी हो सकता है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे दोस्त की शादी है, अगर तुम नहीं गए तो कल वो नाराज होगा. अब तुम्हें जाना चाहिए, कल की बात हो रही है, कल तुम्हारे दोस्त की शादी है, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो. प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी है. जब पढ़ोगे ना मॉडल्स डिटेल में तो समझ आ जाएगा. अच्छा ये अभी याद रखो, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है. अच्छा लेकिन तो एक से दो मॉडल्स ऐसे हैं जो मैं अगर इस्तेमाल करूं तो ये पास्ट की बात भी कर देगी. यही फॉर्मेशन, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, देखना, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड या तो मैं कुड लगा दूं या मैं वुड लगा दूं. आई कुड और आई वुड स्लीप अलॉट, क्या मतलब, मतलब बताओ जल्दी से, माइक खोलो, मतलब बताओ. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड स्लीप अलॉट, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ज्यादा सो सकता था, सो सकता था, सोया करता था. हाँ. वुड का मतलब सोया करता था, कुड का मतलब सो सकता था और सोता भी था, और कोई काम ही नहीं था, गोदुबिया सो गए. When I was a child, I could sleep a lot. इसका मतलब ये है कि सर की बात सही है. इन दो मॉडल्स के साथ हम पास्ट की बात कर सकते हैं. सिर्फ ये दो मॉडल्स हैं, सिर्फ ये दो मॉडल्स, जिसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो वो पास्ट की बात कर सकता है. लेकिन ये लाजमी है कि आप उससे पहले कोई ऐसा जुमला जरूर लगाए जिससे पता चले कि ये पास्ट है. समझ आ रही है बात? अगर ये जुमला नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है. मैं एक जुमला बना रहा हूं, आप मुझे बता नहीं पाएंगे ये प्रेजेंट है या पास्ट है, क्योंकि मैंने आगे पीछे कोई जुमला नहीं लगाऊंगा. बताइए सर. ही कुड कम, अगर मैंने यहां लगा दिया एवरी डे, ही कुड कम एवरी डे. अब मैंने एवरी डे लगा दिया तो तुमने पहचान लिया, लेकिन अगर मैं सिर्फ ही कुड कम बोलता तो तुम पहचान नहीं पाते. अच्छा बताओ ये प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की? यही तो बात है, यही तो समझ नहीं है. ये बात हो रही है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की, और इसका मतलब है मुमकिन है कि वो रोज आता हो. ही कुड ही माइट, और ये कुड पता है किसके बराबर है, ये कुड बराबर है माइट के, और माइट का एक और भाई भी है मे. ये तीनों एक ही फैमिली के, इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी. ही मे कम एवरी डे, ही माइट कम एवरी डे, ही कुड कम एवरी डे, हो सकता है वो रोज आता हो. अगर मैं इसकी जगह टुमारो लगा दू बन गया आपका फ्यूचर, क्योंकि सर के मुताबिक ये जो फॉर्मेशन है जब फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वो कौन से वक्त की बात करेगी? प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट. वो तो इत्तेफाक है, इत्तेफाक, इत्तेफाक, इत्तेफाक कि भाई यहाँ पर सर ने कुड और वुड को पास्ट में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सर ने कहा था कि एक जुमला जरूर ऐसा हो जो बता दे कि ये पास्ट है. When I was a child. वरना ये फॉर्मेशन जनरली कौन से वक्त की बात करती है बेटा? प्रेजेंट और फ्यूचर. फॉर्मेशन याद कर लो, ये याद कर लो, ये टाइम कौन से टाइम के बारे में बात करती है, तो जिंदगी फिलहाल बेहतर हो जाएगी. आगे चलिए. Sir, I have a question. नहीं अभी कोई सवाल नहीं ले रहा, पहले मेरी तीसरी बात सुन. सर ये जो फॉर्मेशन है परफेक्ट की, ये कौन सी सिचुएशन की बात करती है?
ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात कर सकती है। हाउ सर, हाउ कम सर, वो कैसे सर, ऐसा कैसे हो सकता है, हो गया है बेटा, ऐसा हो गया है। देखो सर की वो वाली बात याद रखो जो पहले वाला सेंटेंस है वो आपको बताता है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। मॉडल के अंदर पहला वाला जो सेंटेंस होता है वो आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, जैसे शी इज नॉट हियर, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? शी वॉज नॉट हियर, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? She, if you come tomorrow at 7, ये present है या past है? Future. अब आपको foreign time का अंदाजा हो गया, present, past, future. अब आगे sentence देखो, तीनों एक जैसे लिखे हुए, तीनों sentences एक जैसे लिखे हुए। अब आपको पहचान हो जाएगी ये present है या past है, ये future. She is not here, she may have gone home. वो यहाँ पर नहीं है, शायद वो घर जा चुकी है। She was not here. She may have gone home when you came. वो यहाँ पर नहीं थी, शायद वो जा चुकी थी जब तुम आई। If you come tomorrow at 7, बता दो। अगर तुम 7 बजे आओगी कल, तो शायद वो जा चुकी होगी। हो गया फ्यूचर? हो गया फ्यूचर? यस यस सर। यानी के मॉडल्स के अंदर फॉर्मेशन तो तीनों वक्तों की बात कर सकती है, जैसे ऊपर भी संडे हमें बताया मॉडल प्लस फर्स्ट ऑफ वर्ब तीनों वक्तों की बात कर सकती है, ये वाली सिचुएशन भी तीनों वक्तों की बात कर सकती है। ये हमें समझना किससे है, जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो हमें बताता है ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, क्योंकि वो टेंसेस में लिखा होता है। शी इज नॉट हियर, इट्स अ प्रेजेंट टेंस। She was not here, it's a past tense. If you come tomorrow, it's a present tense, but talking about future. Clear हो गई बात? सर, लेकिन जब present में बात yes. सर, जब present में बात करेंगे, she is not here, इसका मतलब है जैसे वो यहाँ नहीं है, लेकिन शायद वो जा चुकी है। वो जा चुकी है तो past में नहीं आ जाएगा ये, कि अगर एक तो हम जब आप tenses पढ़ेंगे ना तो आपकी ये बात clear होगी, ये present क्या होता है और past क्या होता है। जब हम models को tenses के बाद पढ़ाते, अभी इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। असल चीजें जो तीन हाईलाइट हुई थी फॉर्मेशन है, आज की इस क्लास का इख्तितामिया क्या है, क्या ये तीन फॉर्मेशन समझ आ गई? मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और चौथी फॉर्मेशन नीचे मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। क्या मैं इस बात को समझाने में कामयाब हो गया कि मॉडल के बाद हम कभी भी फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लगाते? देख लो, फर्स्ट फॉर्म भी, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नीचे है और ऊपर फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल्स के अंदर हम सिंपल प्रोग्रेसिव और परफेक्ट सिचुएशंस को भी जाहिर कर सकते हैं मेन वर्ब्स की मदद से। फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी, थर्ड फॉर्म अब नीचे देखो, फिर दोबारा वर्ब आईएनजी, उससे पहले हैव बीन। क्या ये फॉर्मेशन क्लियर हो गई? क्या मॉडल के अंदर कभी सेकेंड फॉर्म आ सकती है? कहीं पर नजर आ रही है सेकेंड फॉर्म? नो सर। क्या मॉडल वर्ब्स के अंदर कभी एस और ईएस फॉर्म आ सकती है? सर, मैं आपके सामने अगर मैं आपके सामने 6 जुमले लिखूं तो आप उसमें सही और गलत का फैसला कर सकते हैं? छुट्टी, शी मे राइट्स, क्या ये जुमला सही है? नो सर। शी मे राइट, ये सही है? यस सर। अच्छा, इसका पास्ट शी मे रोट सही है? मैं एक ही बात करूं, माइट इज अनदर मॉडल वर्ब, उसको छोड़ दे। मैं आपसे ये पूछूं, शी मे रोट हो सकता है? नो सर, मेरे ख्याल से नहीं। ऐसा हम नहीं बांटते सर। अच्छा, तो फिर इसका पास्ट ये हो सकता है, शी मे हैव रिटन, ये इसका पास्ट है। ये पास्ट तो नहीं है, ये परफेक्ट है। शी मे राइट का पास्ट अगर बनाना है तो वो क्या होगा? यस, क्या होगा बता दो? शी मे हैव, शी मे बी राइटिंग, क्या ये सही है?
आई थिंक सो यस शायद वो लिख रही है यस शी मे हैव बीन राइटिंग क्या ये फॉर्मेशन सही चार फॉर्मेशन की सिखाई है ना यस सर यस सर सही है ये देख अच्छा अब देखो गलतियां देखो शी मे हैज रिटन क्या ये हो सकता है नो सर शी मे हैड रिटन ये हो सकता है नो नो सर अच्छा शी मे वाज राइटिंग नहीं क्या हो गया सर ऐसी गलतियां करेंगे आप लोग आप अब आज के बाद जब भी किसी मॉडल वर्ब के सेंटेंस को सुनेंगे तो वो इन्हीं चार सिचुएशंस पर होगा अगर मैंने राइट लिखा तो बताइए क्या ये सिंपल हो गया यस सर अगर रिटन आया तो ये परफेक्ट भी हो गया और साथ में मैं आपको बता दूं ये सिंपल मीनिंग्स भी दे देगा राइटिंग को देखा तो ये कौन सी मीनिंग्स है प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टीचर ये आपको दो मीनिंग्स देगा जब आप बड़े हो जाएंगे तो पता चल जाएगा ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो हमें आपको लग ही रहा है लेकिन जब आप बड़ी होगी तो आपको पता चलेगा ये प्रोग्रेसिव मीनिंग्स भी दे देता है वो कैसे जानने के लिए आपको पहले पूरा एक ब्रिज पार करना पड़ेगा टेंसेस का आप पूरे टेंसेस पढ़ेंगे और जब आप आएंगे मॉडल वर्ब्स पर तो अब जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अभी आपको नजर आ रही है डिस्कवर करना शुरू कर दी क्योंकि आपकी नॉलेज में इजाफा कर दिया मैंने अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है ये भी तो हो सकता है यू भी तो हो सकता है वो इसलिए अब आप सोच रहे हैं क्योंकि आपकी नॉलेज पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है वो उसको रिफाइन करने के लिए पहले टेंसेस को पढ़ो टेंसेस पढ़ने के बाद फिर आप यहाँ पर आओगे तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी फिर इसके बाकायदा हम इसके यूसेज पढ़ेंगे ठीक है बेटा थैंक यू वेरी मच सर सर प्रेजेंट क्या है पास्ट क्या क्या बेटा मेरा राइट का पास्ट क्या हो सकते हैं क्या चीज शी मे राइट जो आपने अभी लिखा है इसका पास्ट क्या होगा शी मे हैव रिटन इसका पास्ट जी उस वो शायद लिख चुकी होगी शी मे राइट शायद लिखती है उसने शायद लिखा था मैं अभी आपने इस जुमले को खुद गलत करार दे दिया है सर ये तो नहीं हो सकता शी मे रोट क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और मॉडल की चार ही फॉर्मेशन है तो गोरे ने सारी एडजस्टमेंट कहाँ कर दी है उसने कहा बाबा ये इधर ही चला लो शी मे हैव रिटन अब मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ अब आपने पूछ लिया है जिद कर रही हैं आप शी मे बी राइटिंग मतलब बताओ शायद वो लिख रही है ये फॉर्मेशन प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है सबको पता है मैंने लिखवाया है अगर मैं ये कहूँ शायद वो लिख रही थी जी फिर जुमला लिखा हुआ है आपके पास उसको पढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी शी मे बी राइटिंग वो शायद लिख रही है वो शायद लिख रही थी शी मे हैव बीन राइटिंग शी मे हैव बीन राइटिंग वो शायद लिख रही थी पास्ट प्रोग्रेसिव की मीनिंग्स भी यही दे रहा है पास्ट सिंपल की भी मीनिंग्स देखो मैंने लिख भी दिया है पास्ट सिंपल की मीनिंग्स भी दे रहा है अब इसकी मजीद गहराई में जाएंगे तो मॉडल वर्ब्स की का दरवाजा आ जाएगा और वो उस पर बड़ा सा ताला पड़ा हुआ है और उस पर लिखा है क्या तेरे को टेंसेस आते अगर आते तो अंदर आ जाओ तो अभी हमें टेंसेस नहीं आते हम पहले टेंसेस को पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह इसके दरवाजे से हम अंदर दाखिल होंगे लेकिन उस दरवाजे पर बड़ी बड़ी चार फॉर्मेशन लिखी हुई है क्या वो चार फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई शी मे राइट She may have written, she may be writing, she may have been writing. अगर तो ये चार फॉर्मेशन आपको याद हो गई है तो आज के इस लेक्चर को सुनने का आपको फायदा हो गया सर कल के सेशन में क्या पढ़ाएंगे कल का सेशन आपकी जिंदगी का अहम तरीन सेशन होगा क्योंकि कल से आपके शुरू हो रहे हैं मॉडल स्टेट वर्ब्स यहां से मैं स्टार्ट अरे तो सर वही आ गया अभी जो आज आपने पढ़ाया जी पहले हम इसका वापस रिव्यू आएगा उसके बाद आप स्टेट वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा मिस मरियम आपका बेचैनी से इंतजार कर रही है डिस्कशन क्लास में तो ज्वाइन कर लीजिए अस्सलाम वालेकुम